रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों को अपने एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। और आज इस व्लॉग के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ दरिया सतलुज की पूरी कहानी, इसकी पूरी तारीख, ये कहाँ से निकलता है और कहाँ पर इसका इख्तिताम होता है, सारी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं फिर दरिया सतलुज के किनारे और आप दोस्तों के साथ दरिया सतलुज की पूरी तारीख को शेयर करते हैं। मेरे साथ मौजूद रहिए जी। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं दरिया सतलुज के ऊपर और देख सकते हैं मेरे बैग पे ये दरिया सतलुज है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के जो दूसरे चार बड़े दरिया हैं वो फुल भरे हुए हैं, लेकिन ये अभी भी खाली है। तो अभी मैं आपके साथ दरिया सतलुज की पूरा यानी कि जो तारीख है, जो इसकी हिस्ट्री है वो शेयर करूँगा, दरिया की सैर भी करवाऊँगा। सो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ मौजूद रहिए जी। तो फ्रेंड्स, दरिया सतलुज पाकिस्तान के 5 बड़े दरियाओं में से एक बड़ा दरिया है और इस दरिया का सारा हिस्सा पाकिस्तान के सूबा पंजाब में बहता है। जी तो नाजरीन, दरिया सतलुज तिब्बत के इलाके में मौजूद एक झील जिसका नाम राक्षसतल है, वहाँ से ये निकलता है। दरिया सतलुज की टोटल लंबाई तकरीबन 1448 किलोमीटर है और दरिया सतलुज का कदीम नाम सतादरी है। और दरिया सतलुज को यूनानी ज़ुबान में सुर्ख दरिया भी कहा जाता है। और तिब्बत के मकामी लोग दरिया सतलुज को दरिया हाथी भी कहते हैं। और दरिया सतलुज हिमालय की ऊंची और ख़तरनाक घाटियों से गुजरकर हिमाचल प्रदेश में 900 मील तक के इलाके को सैराब करता हुआ भारत के ज़िला होशियारपुर के मैदानी इलाकों में दाखिल हो जाता है। और यहाँ से दरिया सतलुज एक बड़ी नहर की शक्ल में जनूब मगरब की तरफ बहता हुआ दरिया ब्यास में गिरता है। और दरिया ब्यास में से पाकिस्तान के ज़िला कसूर में से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होता है। और दरिया सतलुज कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी और बहावलपुर के इलाकों में से गुज़रता हुआ उच शरीफ के मकाम पर हेड पंजनद पर दरिया चेनाब में गिरता है। ज़िला विहाड़ी की तहसील मेलसी के इलाके हेड सैफन के मकाम पर दरिया सतलुज के ब्रिज के नीचे से एक बहुत बड़ी SMB लिंक कैनाल गुजारी गई है, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और यही वो ब्रिज है जिसके नीचे से SMB लिंक कैनाल गुजारी गई है, जो कि दरिया रावी में से निकलती है। और फाइनली अब हम बात करते हैं इस दरिया सतलुज की पाकिस्तानी इलाके में खुश्क रहने की। जी हाँ, 1960 के सिंध तास एग्रीमेंट के तहत दरिया सतलुज के पानी के ऊपर भारत का हक तस्लीम किया गया था। और उस एग्रीमेंट के बाद भारत ने दरिया सतलुज के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम भी तामीर किया, जिससे 4,50,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। और उसके बाद भारत ने दरिया सतलुज से सरहिंद के नाल और वादी सतलुज के नाम से कुछ नहरी मंसूबे भी तामीर किए। और इन नहरी मंसूबों से भारतीय सूबा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों को सैराब किया जाता है। और अब जितना भी पानी दरिया सतलुज में आता है वो भारत की तरफ से फ्लड रिलीज़ के तौर पे छोड़ा जाता है। और अगर कुछ उससे पहले की बात की जाए तो तकरीबन 1849 तक सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग से पहले ये दरिया एक सरहद का काम सर अंजाम देता था। तकरीबन 1450 किलोमीटर लंबे इस दरियाए सतलुज की कुछ इतनी सी कहानी है और उम्मीद करते हैं कि दोबारा फिर से ये दरिया अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ बहेगा और इस इलाके को सैराब करेगा। उन्नीस सौ 60 से पहले जब ये दरिया फुल भरा हुआ चलता होगा कितना खूबसूरत मंजर पेश करता होगा। ये अभी आप देख सकते हैं वो कितना यानी कि गहरा पानी है वहाँ पे, यानी कि ये दरिया का सारा इधर वाला एरिया जो है भाई ये खाली पड़ा है, बस इतना सा पानी है। कितना बड़ा ये दरिया है। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको दरिया सतलुज की पूरी तारीख, हिस्ट्री और इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और जो लास्ट में हमेशा की तरह मौतबाना गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, किसी बेहतर वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त नईम अब्बास भुट्टा को इजाज़त दीजिए और दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।